एंड ये है हमारा स्पिनिच कॉर्न पनीर मोमोज, वो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज सौरभ, यू वाचिंग टैंगी बी। सो गाइस, आर यू लुकिंग फॉर एशियन क्यूजिन इन बैंगलोर, एशियन, चाइनीज, थाई क्यूजिन? ऐसा रेस्टोरेंट जो आपको बहुत अच्छा एशियन क्यूजिन सर्व करता हो। फिलहाल मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ, मैं इंदिरा नगर 100 फीट रोड के आसपास में हूँ और ये एक रेस्टोरेंट है जिसको वॉक इन चाओ, जो कि बहुत फेमस है फॉर देयर एशियन एंड चाइनीज़ कुजीन। तो आज हम यहाँ पे इनका एशियन चाइनीज़ कुजीन ट्राई करेंगे एंड देखते उसका टेस्ट कैसा है, इनका फ्लेवर्स कैसे हैं और इनकी प्रिपरेशन कैसी रहती है। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ एशियन कुजीन, मुझे चाइनीज़ कुजीन बहुत पसंद है, स्पेशली थाई करी एंड डिफरेंट स्टफ। इनके कुछ ही स्पेशलिटीज़ भी हैं, हम वो सब ट्राई करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टर्स, मेन कोर्स एंड डेजर्ट्स। चलिए मेरे साथ इन सब चीज़ों को ट्राई करते हैं। ये रेस्टोरेंट का एम्बियंस है, ये 100 फीट रोड के पास है। इसका लोकेशन जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आई ऑल्सो पुट गूगल मैप्स का जो लोकेशन होगा, आप इजीली वहाँ से नेविगेट करके यहाँ पे आ सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन। ये प्लेस काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी हैपनिंग लग रही है मुझे, काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। आइए लेट्स डाइव इन, चीज़ों को ऑर्डर करते हैं और खाने को टेस्ट करते हैं। सो गाइस, हमने कुछ सामान ऑर्डर किया है, हमने ये ऑर्डर किया है क्रिस्पी स्पिनच पनीर। अगर आप देखें तो लुक वाइज कितना अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छे से फ्राइड पनीर है, साथ में हमारे पास फ्राइड स्पिनच है। ये हमारे कुछ शीजवान फ्राइड क्रिस्पी वेजिटेबल्स हैं एंड ये है हमारा स्पिनच कॉर्न पनीर मोमोज, जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। आइए इनको ट्राई किया जाए। लेट स्टार्ट विथ जो मेरे एकदम सामने है प्लेट में, अगर मैं कैमरा में पास लगा कर दिखाऊँ तो ये है क्रिस्पी शीजवान फ्राइड वेजिटेबल्स, जो कि क्रिस्पी वेजिटेबल्स हैं। आइए इनको ट्राई किया जाए। अगर आप देखें तो कैप्सिकम, पटेटोज, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं इसमें, इसको ट्राई किया जाए। यहाँ से कुछ लेते हैं, ये पोटैटो वेजेस है, इसमें कॉर्न, पोटैटो, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स हैं, फिर अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, माइल्ड फ्लेवर्स हैं लेकिन काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स हैं, सब्जी फ्लेवर्स हैं, इट्स नॉट टू स्पाइसी बट बहुत अच्छा टेस्ट करा है, फ्लेवर काफ़ी अच्छा है इसका, वेरी गुड। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट आइटम व्हिच इज क्रिस्पी स्पिनच पनीर। आइए इसमें पनीर को ट्राई किया जाए। अगेन आप देखें तो लुक वाइज कितने बढ़िया दिख रहा है, ये हमारे पास पनीर है साथ में क्रिस्पी स्पिनच है, वाओ ये बहुत यम्मी है, पनीर काफ़ी सॉफ्ट है और जो फ्लेवर है काफ़ी अच्छा आ रहा है, जो इन्होंने मसाले डाले हैं, जो लेयरिंग की है, फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है, वेरी गुड। दिस इज क्रिस्पी स्पिनच, वाओ, सॉरी थोड़ा स्वीट है, स्पिनच इज लिटिल स्वीट, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है। अभी इनको साथ में खाया जाए, इसको एक साथ खाया जाता है ताकि ये स्वीट एंड स्पाइसी टेस्ट है।
लेट्स ट्राई दिस स्पाइसी पनीर विथ स्वीट क्रिस्पी स्पिनिच लेट्स ट्राई दिस वेरी यम्मी बहुत बढ़िया है दिस इज टू गुड आवर नेक्स्ट आइटम इज स्पिनिच कॉर्न पनीर अगर आप मोमोज की शेप देखें कितने बढ़िया तरह से इनको बनाया गया है प्रॉपर शेप अगर मैं मोमोज को तोड़ूं तो अगर आप देखें तो वाओ मस्त तरह से उसमें पनीर स्पिनिच कॉर्न है आइए इसको ट्राई किया जाए विद दिस डिप ये देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत मज़ेदार लग रहा है क्या बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से गर्मा गर्म मोमोज इसको ट्राई करते हैं टू गुड बहुत बढ़िया है दिस इज मस्ट ट्राई अगर आप देखें तो कितनी एम्पल अमाउंट में पनीर है कॉर्न है स्पिनिच है का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है और ये डिप है ये डिप बिल्कुल ओवर पावरिंग नहीं है एकदम सटल है फ्लेवर्स बना के रख रही है नॉर्मली अगर हम मोमो जब खाते हैं एक स्पाइसी डिप होती है रेड कलर की जिस रेड चिली डिप जो होती है काफ़ी स्पाइसी हो जाती है बहुत स्पाइसी नहीं है बट इट्स गुड इनफ कि फ्लेवर्स को बना के रख रही है टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है टू गुड सो गाइस अभी हमने मेन कोर्स में कुछ सामान मंगाया है ये यहाँ का फेमस है वोकिन चाओ फ्राइड राइस ये मैंने मंगाया है यहाँ पे मापो टोफू ये एक चाइनीज डिश है ये मैंने मंगाई है थाई ग्रीन करी जो कि मेरी बहुत फेवरेट है साथ में मैंने मंगाया है स्टीम राइस जो कि इनके साथ खा सकते हैं लेट्स ट्राई आइए पहले ट्राई करते हैं वोकिन चाओ फ्राइड राइस अगर आप लुक वाइज देखें तो कितना बढ़िया दिख रहा है मस्त प्रेजेंटेशन है इसकी आइए इसको ट्राई किया जाए काफ़ी सारे वेजिटेबल्स के साथ ये एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है सो आपको यहाँ पे सब कुछ वेजिटेरियन मिलेगा जैसे वेज फ्राइड राइस बेसिकली नाइस काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स हैं वेजिटेबल्स को काफ़ी अच्छे से फ्राई किया है टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है इसमें कॉर्न क्यूकम्बर कैरेट ग्राउंडनट्स भी मिल रहा है मेरे को काफ़ी यम्मी है टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है उन्होंने सॉस यूज़ किया है इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है अगर आप देखें वेजिटेबल्स काफ़ी सारे हैं इसमें ऐसे एक बाइट और क्या मज़ा है शानदार नाइस लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आइटम विच इज मापो टोफू दिस विल हैव विद राइस अगर आप इसको देखें ये काफ़ी स्पाइसी सी ग्रेवी है वाव एम्पल अमाउंट ऑफ टोफू खूब सारी वेजीज ब्रोकली एक बार इसका जस्ट टेस्ट करते हैं विदाउट राइस क्या स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स आ रहे हैं स्मेल काफ़ी अच्छी है वाव काफ़ी सभी फ्लेवर्स हैं इंडियन पायलट के लिए टेस्ट काफ़ी अच्छा है बहुत ओवर पावरिंग नहीं है बहुत अच्छा लग रहा है मैं शायद इसको ऐसे खा जाऊँगा बट इज एक्चुअली मेंट टू बी ईटन विद राइस वैसे राइस लेते हैं मैंने ये वाइट प्लेन स्टीम राइस मंगाया है साथ में
मापू टोफू। चाइनीज ग्रेवी इन बैंगलोर, लेट्स ट्राई दिस। टू गुड, काफी अच्छा है। इसमें उन्होंने जिंजर और जो गार्लिक डाला है उसका अच्छे से फ्लेवर नहीं आ रहा था। जब मैं रेसिपी खा रहा हूँ जो उतर रहा है आपको गले में हिट करता है, वो फ्लेवर काफ़ी अच्छा है, सटल है, बहुत स्पाइसी नहीं है बट बहुत मस्त है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अभी उन्होंने खूब सारी वेजेस डाली हैं जैसे आर सब्जियों का नाम मुझे पता भी नहीं है बट टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसमें कैप्सिकम है, दो तरह के कैप्सिकम है, गाजर है, आई थिंक ये जुकीनी है या इट्स जुकीनी इट्स नॉट क्यूकम्बर, टोफू है क्योंकि ये चाइनीज़ है। इसमें भी इवन जो हमने पहले राइस ट्राई किया था फ्राइड राइस, ग्राउंडनट्स का काफ़ी यूज़ है, ये लोग प्रॉपर इन्होंने फ्राइड ग्राउंडनट्स डाले हैं। अगर आप कहीं भी चाइनीज़ क्विजिन खाएंगे आपको उसमें ग्राउंडनट्स प्रॉपरली यूज़ करते हैं वो लोग, दे यूज़ अ लॉट ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स, तब कुछ ग्रेवी में ग्राउंडनट्स मिलते हैं, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। टू गुड, एक बार और। बहुत मज़ेदार है। आइए अब हम थोड़ी थाई कड़ी ट्राई करेंगे, उसके लिए थोड़ा और चावल ले लेता हूँ, थोड़ा सा और स्टीम राइस। देखते हैं ये थाई करी, थाई ग्रीन करी जो है, वाह ये देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, लुक वाइज इट्स लुकिंग सो गुड। अगर मैं कैमरा पास ला के दिखाऊँ, खूब सारे वेजिटेबल्स हैं, इसकी थिकनेस अगर आप देखें कितनी सही है, थोड़ा टेस्ट टेस्ट करता हूँ मैं आपको, वाह वाह फ्लेवर बहुत अच्छा है, टू गुड। बहुत मज़ेदार है, ये जो फ्लेवर है वो गले में उतर रहा है, प्रॉपरली हिट कर रहा है, स्पाइसी नहीं है, टू गुड। तो गाइज मैं मेन कोर्स ख़त्म करता हूँ, फिर दोबारा आपसे मिलता हूँ। सो गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेजर्ट, मैंने मंगाया है हनी फ्राइड नूडल्स विद आइसक्रीम। अगर आप देखें ये फ्लैट नूडल्स हैं, साथ में आइसक्रीम आती है, इसको टेस्ट किया जाए। ये नूडल्स हैं, पहले नूडल्स को टेस्ट करते हैं। क्रिस्पी स्वीट मज़ेदार है, थोड़ी सी आइसक्रीम लेते हैं। Let's try this. Wow. काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन है, टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, स्वीट है, साथ में जो आइसक्रीम है एक मस्त फ्लेवर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो उसकी मिठास होती है हनी की, सब बैलेंस कर रहा है आइसक्रीम, काफ़ी अच्छा डेजर्ट है ये, टू गुड। हैव यू फिनिश दिस, मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ, अपना का फाइनल ओवरऑल रिव्यू बताता हूँ, मेरा खाना कैसा रहा यहाँ पे, का एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेट मी फिनिश दिस, मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करता हूँ। तो गाइस मेरे वॉकिंग जॉग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा, मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की थी, स्टार्टिंग विद स्टार्टर्स जो कि काफ़ी बढ़िया थे, इनके स्टार्टर से मैंने ट्राई किया था मोमोज विच वॉज पनीर कैप्सिकम और कॉर्न स्टफ था, स्वीट कॉर्न स्टफ, काफ़ी बढ़िया था इसका टेस्ट। इसके अलावा मैंने इसका ट्राई किया था फ्राइड स्पिनिच विद शेजवान पनीर, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा था, जो पनीर का जो स्पाइस थे काफ़ी बढ़िया था टेस्ट, साथ में जो कॉम्बिनेशन था जो कि स्वीट फ्राइड स्पिनिच का था उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा था। लास्टली मैंने इनका ट्राई किया था शेजवान फ्राइड वेजिटेबल्स,
which was okay, which was like, मतलब it was not very unique, but उसका taste काफ़ी अच्छा था. But हाँ, obviously the first two items, which was momos as well as जो इनका जो शेजवान पनीर with जो कैप्सिकम आता है, fried कैप्सिकम, उसका taste काफ़ी अच्छा है. That is a must अगर आप यहाँ पे आते हैं. मूविंग टू द मेन कोर्स, मेन कोर्स में मैंने इनकी ऐसी चीज़ ट्राई की, जैसे इनका जो वोकिन चाओ फ्राइड राइस इनका एक स्पेशल आइटम है, प्लस मैंने इनकी थाई करी ट्राई की थी, मैंने एक चाइनीज़ करी भी ट्राई की विच वॉज मापो टोफू विच वॉज वेरी गुड, साथ में विच वॉज विच जो मैंने ट्राई किया स्टीम राइस के साथ. मेन कोर्स मेरा काफ़ी बढ़िया था, मुझे तीनों आइटम काफ़ी अच्छे लगे. अगर बट अगर मुझे अगर रिकमेंड करना होगा देन डेफिनेटली फर्स्ट वुड बी थाई करी एंड द नेक्स्ट वुड बी मापो टोफू. अगर आप फ्राइड राइस के फैन नहीं है तो यू कैन स्किप दैट ऑल्सो, बट दीज आइटम्स आर मस्ट ट्राई. इनका डेजर्ट जो मैंने ट्राई किया था विच वॉज हनी फ्राइड नूडल्स विद आइसक्रीम, वो बहुत बढ़िया था, बहुत मस्त था. इट वॉज वेरी यूनिक डेजर्ट जो मैंने पहले ट्राई नहीं किया था, तो हनी फ्राइड नूडल्स विद आइसक्रीम को कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था. सो ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है. अगर आप एशियन चाइनीज कुजिन ढूंढ रहे हैं बैंगलोर में, दिस प्लेस इज मस्ट ट्राई, आप जरूर यहाँ पे आइए. इसका ये 100 फीट रोड के पास है जो कि इंदिरा नगर में है. इसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, डेफिनेटली चेकआउट दिस प्लेस. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप हम आपको फिर से मिलेंगे किसी नई जर्नी पे, तो नई चीज़ एक्सप्लोर करते हुए. टेक केयर, बाय बाय.